संतों का है ये आह्वान, देश बनेगा स्वच्छ महान। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़े। अभी भी हमारे देश में कुप्रथा है खुले में शौच। मैं इस माध्यम से आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि खुले में शौच करना नकारात्मक ऊर्जा का एक प्रकार से विस्तार होता है। न केवल नकारात्मक ऊर्जा बल्कि बहुत से रोग विषाणु कीटाणुओं का भी विस्तार होता है। हम खुले में शौच जाने से बचें और इससे हम एक बड़ी प्रगति अपने आसपास पाएंगे। सच मानिए ये कोई दौर्बल्यता का सूचक नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य सौंदर्य और अपने सामर्थ्य को जगाने के लिए भी है। अपने यहाँ शौचालय बनाएं, क्योंकि शरीर एक मंदिर है, इसे स्वच्छ रखें, इसका बहुत आदर करें और कृपया शौचालय का प्रयोग करें। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़ें। आओ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें। परमार्थ निकेतन, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस, गंगा एक्शन परिवार और शिप्रा एक्शन परिवार द्वारा शुरू की गई शिप्रा आरती में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। दरअसल उत्सव था माँ शिप्रा का दुग्ध से पूजन और आंचल को चुनरी उड़ाना। चुनरी के माध्यम से हम सब इस पार और उस पार एक संकल्प लेंगे। ये चुनरी दोनों घाटों के ऊपर बैठे हुए या सभी घाटों पर बैठे हुए जितने भी भक्तजन हैं सबको जोड़ेगी एक संकल्प से। मैं मुनि जी महाराज के इस मिशन को, इस दृष्टिकोण को, इस विजन को सहर्ष उसको प्रणाम करता हूँ, उसे स्वीकार करता हूँ और उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे यहाँ घुसते ही सबसे पहले सुनने में आया कि इस बार प्रयास है कि हम सबका ग्रीन कुंभ होगा। ये ग्रीन कुंभ से मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ कुंभ। हर वो व्यक्ति जो यहाँ आ रहा है प्रयास करेगा कि उसके द्वारा प्रकृति का संवर्धन हो। सभी संतों ने माँ शिप्रा की आरती की और हाथ उठाकर जल, नदी, पर्यावरण और शौचालय के लिए संकल्प किया और उपस्थित भक्तों को भी संकल्प कराया। अभी संतों के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से हम ये सब संकल्प लेंगे। आप सब तैयार है ना? उधर सामने वाले सब तैयार है तो मैं संकल्प कराऊंगा। दोहराइए, भगवान श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन धरा उज्जैनी में मां क्षिप्रा के तट पर भारतवर्ष के पूजनीय परम आदरणीय सन्यासी प्रवर्तकों एवं संतों की उपस्थिति में हम संकल्प लेते हैं कि मां छिप्रा को स्वच्छ पवित्र बनाए रखने एवं मां छिप्रा को सदा प्रवाही रखने में अपना संपूर्ण श्रद्धा निष्ठा एवं परिश्रम से समर्पण पूर्वक कार्य करेंगे। हम महाकालेश्वर महाराज की जय, छिप्रा मैया की जय के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के हम ये संकल्प करेंगे। बोले महाकाल महाराज की जय। सामने वाले भी सभी बहन भाई फिर से बोलिए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। बोले महाकाल महाराज की जय। छिप्रा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। उज्जैनी नगरी की संतों का है ये आह्वान, देश बनेगा स्वच्छ महान।
भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़े। परम पूज्य मुरारी बापू स्वच्छता क्रांति का संदेश दे रहे हैं। कोई भी तीर्थ, कोई भी मंदिर अंदर से तो पवित्र होता ही है, लेकिन बाहर से हम उसको बहुत अस्वच्छ रखते हैं। अब जरूरत है बाहरी स्वच्छता की, शौचालय का प्रयोग हो और बापू की स्मृति में राष्ट्र स्वच्छता अभियान चला रहा है, उसमें भी इस प्रकार हमारा सहयोग हो। तीर्थों में पवित्र नदियों के तट पर शौचालय की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये बहुत आवकार्य है ताकि जहाँ तहाँ गंदगी ना हो। और सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसमें सब जुड़े और हम खुद को और पूरी खुदाई को, पूरी दुनिया को बाहर से स्वच्छ रखें। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता क्रांति मुहिम से जुड़ें। आओ मिलकर स्वच्छ भारत का निर्माण करें।